Hello everyone, today I am going to start with a new blog, how to paint your umbrella with the help of the fabric color. यहाँ देखिए, I have planned to draw the birds on the fabric color. मैं एक plan किया हूँ, आपका मतलब कलरफुल पैटर्न्स में ड्रा कर रहा हूँ अम्ब्रेला के ऊपर. इससे देखिए, आप तो पहले अम्ब्रेला में आपका पेंसिल से ड्रा कर सकते हो. आप पहले, मैंने पेंसिल से ड्रा नहीं किया, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया हूँ इस कलर करना. सी, विद द हेल्प ऑफ द वाइट कलर से मैंने पहले ब्रांचेस ड्रॉ किया. उसके ऊपर देखिए, थोड़ा फ्लैट ब्रश लिया मैंने, फ्लैट ब्रश से मैंने पैरट ड्रॉ कर रहा हूँ. देखिए, पैरट को पेंट कर रहा हूँ. देखिए, पैरट को मैं पेंट कर रहा हूँ. आप चाहे तो कोई और टाइप का डिज़ाइन बना सकते हो, फ्लावर्स, सीनरी, बटरफ्लाई. इट्स वेरी इजी. देखिए, मैंने वाइट फेब्रिक कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, बट यू कैन यूज़ द पेंसिल फर्स्ट. विद द पेंसिल फर्स्ट यू कैन ड्रॉ द ड्राइंग. और आप जब भी फेब्रिक कलर कर रहे हो अम्ब्रेला के ऊपर, आप ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिए, डायरेक्टली आप कलर यूज़ कीजिए, क्योंकि अम्ब्रेला में पानी यूज़ करने से ये कलर फैल सकता है. तो डायरेक्टली आप यूज़ कीजिए. देखिए, मैंने उसका बेस पे कर दिया वाइट कलर. उसके ऊपर देखिए, मैं आपका कलर कर, देखिए आप तो सबसे पहले सभी बर्ड्स को मैंने वाइट कलर कर दिया. वाइट कलर आपका बेस, इसके ऊपर फिर मैंने आपका कलरफुल करने वाला हूँ. क्योंकि देखिए, अम्ब्रेला आपका कलर है, इसलिए मैं आपका वाइट कलर किया हूँ. अगर ये अम्ब्रेला वाइट कलर का होता तो मैंने जो डायरेक्टली कलरफुल यूज़ करना था, डायरेक्टली कलर्स यूज़ करना था. नाउ देखिए, मैंने ये नियॉन कलर है, ये नियॉन कलर का बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, कोई भी बुक शॉप्स में. और इसका कॉस्ट भी 99 रुपीज़ है. इसके अंदर आप देखिए, 4 कलर्स होता है, 4 नियॉन कलर्स, नियॉन ऑरेंज, नियॉन ग्रीन, नियॉन येलो, नियॉन पिंक. मैं इसलिए नियॉन कलर यूज़ कर रहा हूँ, नियॉन कलर काफ़ी ब्राइट लगता है और इसलिए मैं नियॉन कलर यूज़ कर रहा हूँ. अगर आपके पास नियॉन कलर नहीं है तो आप सिंपली ऑरेंज कलर, सिंपली ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है. मेरे पास था नियॉन कलर, तो मैंने इसके लिए इसको यूज़ किया. देखिए, मैंने नियॉन येलो किया. मैंने यहाँ पर देखिए, 2 टाइप्स ऑफ ब्रश मैंने यूज़ किया. मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया और राउंड ब्रश. पहले मैंने जब वाइट कलर किया था बर्ड्स पे, तब मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया था. अभी मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पर देखिए, मैंने नियॉन ऑरेंज कलर यूज़ किया हूँ. ये बर्ड पे देखिए, मैं नियॉन पिंक यूज़ कर रहा हूँ, नियॉन पिंक कलर. और पानी एकदम यूज़ मत कीजिए. आप अगर पानी यूज़ भी करते हो ब्रश को क्लीन करने के लिए, तो आप ब्रश को क्लीन करने के बाद आप मतलब ब्रश को पहले एक्स्ट्रा वाटर क्लीन कर लीजिए, स्क्वीज़ कर लीजिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर, फिर आप कलर यूज़ कीजिए. देखिए, मैंने देखिए सभी पे मैंने कलर कर दिया हूँ. देखिए, यहाँ पर येलो, यहाँ पर लाइट ग्रीन, यहाँ पर पिंक. देखिए, सभी बर्ड्स में मैंने पेयर्स में बना दिया. अब देखिए, आई एम यूजिंग द राउंड ब्रश अगेन. आई हैव यूज्ड ओवर हियर ब्रश नंबर 2. मैं यहाँ पर ब्रश नंबर 2 यूज़ कर, आप चाहो तो यहाँ पर 0 ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. मैंने इसको पहले भी बताया था आपको, आपने मतलब कौन सा कंपनी का ब्रश यूज़ करना है. देखिए, आई एम जस्ट डूइंग द आउटलाइन. मॉपेट कंपनी का ब्रश काफ़ी अच्छा होता है. देखिए, और आप हमेशा, आप जब भी मतलब फैब्रिक कलर होने के बाद, हमेशा अपना ब्रश को ठीक से क्लीन करके उसको एक जो ड्राई क्लोथ में उसको सोक करके फिर रखिएगा ब्रश को, नहीं तो ब्रश सारे ख़राब हो जाता है. देखिए, मैं आईज भी देखिए ड्रॉ कर लिया, आईज और इस टाइप का देखिए, सो विंग्स. और यहाँ पर रेड कलर में क्या हूँ बीक में. और देखिए, ब्रांचेस पे वाइट कलर.
तो मैं जो कह रहा था, आप हमेशा आफ्टर यूजिंग द फेब्रिक कलर प्लीज़ ट्राई टू क्लीन द ब्रश प्रॉपरली। तो क्या होता है ना, अधिकतर जो स्टूडेंट्स लोग करते क्या है, ब्रश को क्लीन नहीं करते, फिर बाद में क्या होता है, ब्रश हार्ड हो जाता है, फिर मतलब पूरा ब्रश स्पॉइल हो जाता है। तो प्लीज़ आप ब्रश को यूज़ करने के बाद ठीक से क्लीन करके पानी से फिर रखिएगा ब्रश को, उससे ब्रश का लॉन्गजेविटी भी रहता है, ब्रश स्पॉइल नहीं होता है। देखिए मैंने सभी ब्रश पे कर लिया, देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने जो जीरो ब्रश नंबर ब्रश यूज़ किया फॉर द ब्रांचेस, आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने चॉक से, मेरे पास देखिए व्हाइट पेंसिल नहीं था तो मैंने देखिए चॉक से आउटलाइनिंग किया, देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको ये जो लाइंस जो था, ये अम्ब्रेला में जो लाइंस होते हैं उसी लाइंस पे देखिए मैंने जो ड्रॉ कर लिया था आपको, मतलब जो चॉक से, आपको पास अगर पेंसिल नहीं है तो आप चॉक से कीजिएगा, उसी के ऊपर देखिए मैंने वाइट फेब्रिक कलर से डबल लाइन बनाने वाला हूँ उसी लाइन के ऊपर। ये लाइन ज़्यादा मतलब थिक नहीं होगा, मीडियम थिक होगा। देखिए मैंने यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ कर लिया, डबल लाइन, आप देखिए जो टिप ऑफ द अम्ब्रेला है वहाँ से देखिए विद हेल्प ऑफ द ब्लैक कलर मैं यहाँ पर देखिए जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ज़िगज़ैग लाइन, ये भी मैं आई हैव यूज द जीरो ब्रश, जीरो नंबर ब्रश, और देखिए मैं लिप्स यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द ब्लैक कलर, यहाँ मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया। अब देखिए ये आई एम जस्ट फीलिंग द लिप्स इनसाइड, देखिए ये मेरा अम्ब्रेला कंप्लीट हो चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अम्ब्रेला। एक्चुअली मैं जब अम्ब्रेला ड्रॉ कर रहा था कलर तो पता नहीं चला था, तभी अंदर में ये देखिए मैंने आउटसाइड पे रखा हूँ, तो देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है इसमें। आप इस पर कोई और टाइप के भी ड्रॉ कर सकते हो, पर ये बर्ड हमको लगा काफ़ी ईजी है, आप ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है विदाउट प्रेसिंग ऑल्सो यू कैन डू, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स भी होते कुछ अच्छा नहीं लगे उतना पता नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे, ये जो वीडियो अच्छा लगा अम्ब्रेला पेंटिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग मोर वीडियोस। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखिए अम्ब्रेला, आप अपना अम्ब्रेला खुद भी पेंट कर सकते हो।